दोस्तों, वेलकम टू पाकिस्तानी और इंडियन पिजन्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। सबको दिखाए दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पहले मैं माजरत कर लूँ आप सब लोगों से कि काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन महीना शायद हो गया हमने कोई वीडियो नहीं डाली। एक तो उसकी वजूहत ये हैं कि हमारे वालिद साहब को कोरोना हो गया था और काफ़ी सीवियर हालत हो गई थी, तबीयत काफ़ी ख़राब थी, ऑक्सीजन पे चले गए थे। तो समझ लें कि 20 से 25 दिन ना हम उन्हीं की खिदमत में लगे रहे, तो टाइम ही नहीं मिल सका। कबूतरों की भी बुरी हालत थी, आज ही खोले हमने और नहला रहे हैं इनको, काफ़ी दिनों से नहलाया भी नहीं था। तो बस यही वजह थी कि काफ़ी टाइम हो गया, हमने नहीं पर टाइम दिया, कबूतरों को भी नहीं दे सके, वीडियो भी नहीं बना सके। मुसलसल जो है अस्पताल का कभी चक्कर, कभी दवाइयाँ, कभी कुछ। कोरोना बड़ा गंदा मर्ज है, तो काफ़ी तकलीफ़ होती है मरीज़ को भी और घर वालों को भी, क्योंकि एक तो ख्याल रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा, आपने क्या कहते हैं घर वालों को भी बचाना होता है, मरीज़ को भी बचाना होता है, ख़ुद की भी केयर करनी होती है। तो बस इसीलिए ज़्यादा टाइम फिर उधर ही लग गया, वीडियो भी नहीं बना सका और चैनल को बिल्कुल भी नहीं देखा है। तो बस मैंने कहा पहले बता दूँ ये वजह, आप लोगों से शेयर कर लूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब आज थोड़ा टाइम मिला है तो मैंने कहा आज सफाई भी कर लेंगे दड़बे की और इनको भी नहला देते हैं थोड़ा। तो अभी मैंने ये नर निकाले हुए सारे बाहर, आज प्रोग्राम है, इनको नहला ही देंगे, अच्छे से नहावा लेंगे और साथ में फिर दड़बे की सफाई भी कर देंगे अंदर से। मौसम आप देख रहे हैं कराची का बेहतर मौसम है, पिछले दिनों तो बहुत ही अच्छा रहा है, कोई धूप वूप नहीं निकली, बादल रहते थे, बारिश तो नहीं हुई खैर, लेकिन मौसम काफ़ी बेहतर था। बस यही सूरत हाल है, लॉकडाउन लगा हुआ है, आज आखिरी दिन है कराची में लॉकडाउन का, कल से उम्मीद है कि खुल जाएंगी चीज़ें और फिर देखते हैं क्या होता है। फिर अभी जो कबूतरों की अपडेट है वो तो ये है कि ब्रीडिंग कराई थी, कुछ 3 जोड़ों से ब्रीडिंग कराई थी, तो तकरीबन हमारे पास इस वक्त 6 बच्चे आ गए हैं, इस वक्त मौजूद हैं दड़बे में। थोड़े से बड़े हो जाए मैं आपसे शौक कराऊंगा उसका, फिर कबूतरों के बच्चों का भी शौक कराऊंगा आपको। और ऐसा है कि कुछ आँखें वगैरह साफ़ कर लें अपनी बच्चे, ताकि फिर देखने में भी मज़ा आता है इंसान को कि क्या चीज़ बनी है। परवास का तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं चल रहा क्योंकि पर झाड़ का सीज़न चल रहा है और इसमें कबूतर पर गिरा देते हैं तो उड़ाने से नुकसान ही होता है, तो इसलिए उड़ाया नहीं। तो कोई ऐसा ख़ास एक्टिविटी हुई भी नहीं है ना इन दिन पिछले दिनों में। बाकी ये कि ईद मुबारक का भी कोई इस दफ़ा वीडियो नहीं डाल सके, मैंने बताई आपको अपनी मसरूफियत की वजह। देखें आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कुछ कबूतर ऐसे तैयार कर रहे हैं जो आने सर्दियों के दिनों में जो उड़ाए जाएंगे और फिर उनका शौक कराया जाएगा आपको। इसके अलावा ये है कि दाना मैं वही चला रहा हूँ अभी तक जो मैंने पिछली लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि पतझड़ के सीज़न में कबूतरों को वो दाना देना है आपने, इसके अलावा विटामिन देने, और अगर रोटी असली घी लगी भी मिल जाए तो वो क्या ही बात है उसकी, वो तो और भी फ़ायदेमंद हो जाएगी, कबूतरों में चिकनाई भी आ जाएगी, पर भी अच्छे बन जाएंगे उनके और इस तरह फ़ायदा होगा। बाकी यही नहलाइया वहलाइया कराएँ अपने कबूतरों को इस सीज़न में, अच्छा है ताकि ये पर झाड़े अच्छे तरीके से झाड़ लेना अपना पर, और जल्दी पर झाड़ को ख़त्म करें ताकि जो है उड़ाने के लिए रेडी हो सके, निकलवाएं उनका शौक आपको कराएंगे जोड़ों के साथ। तो हमारे चैनल के साथ रहें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हम कहीं नहीं गए, हम यहीं मौजूद हैं, लेकिन बस घरेलू मसरूफियात की वजह से वीडियो नहीं बना सके। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।